हेलो ऑन पेसिवियंस, हेलो इंडियंस। आज है इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे के सभी को 75 ईयर्स ग्लोरियस इंडिपेंडेंस डे के सबको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड विजिटिंग फॉर व्यू आवर माई वीडियो। तो आज है इंडिपेंडेंस डे। आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी इंडियन के लिए, क्योंकि हमारा आज़ादी का 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए सभी को बधाई फिर से, और एक साथ ऑन पैसिव के लिए भी है। ऑन पैसिव से जस्सी सर, हमारा सबसे प्यारा ग्लोबल लीडर, इंडियन ग्लोबल लीडर जो जस्सी सर है, उनका भी 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑन पैसिव में। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी से जुड़े ही और एक बात को मैं कहना चाहूँगा। आज है मंडे होता है हमारा वेबसाइट चेंज। तो हर मंडे जैसे हमारा वेबसाइट चेंज होता है, तो इसी वीडियो में आज बात करेंगे कि अब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसके बारे में। मैं जब भी न्यू वेबसाइट का वीडियो डालता हूँ, अपडेट रिव्यू डालता हूँ, तब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, वो है क्यों चेंज होता है, क्यों हर एक मंडे हमारा वेबसाइट चेंज होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हूँ दीपायन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपायन ऑन पैसिव पर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन जो आपके मन में आता है उसका आंसर लेके मैं इसी चैनल पर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तरफ से समझते हैं। मान लो आपका जो मोहल्ला होता है वहाँ पे आपका एक घर है, और वही उस घर का जो फ्रंट साइड है, मतलब सिर्फ मतलब फ्रंट का आप हर संडे चेंज करता हो, या हर महीने में 2 बार क्या करते हो, पेंट कराता हो। कैसे पेंट कराता हो? मान लो इस मंडे या इस संडे रेड कलर करवाए, उस नेक्स्ट वीक में या 15 दिन बाद आप नए कलर करते हो, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, वायलेट, ऐसे सिर्फ फ्रंट। ठीक है, तो लोगों का मन में पहले तो कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना बाद लोगों ने नोटिस करेंगे कि ये बंदा हर महीने में 2 बार क्यों पेंट कराता है, क्या चीज़ है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, आप चेंज करते जाओगे, लोगों का मन का सवाल बढ़ता जाएगा। लोगों के मन में आप एक चर्चित विषय रह जाओगे कि क्या होता है, उसके बाद क्या होंगे, लोग आपको आके पूछेंगे क्या चीज़ है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसे लोग आके पूछना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद न्यूज़ चैनल, मीडिया, सभी के पास आप क्या हो जाओगे, वायरल हो जाओगे। सबने आपके आके क्वेश्चन करेगा कि क्या चीज़ है, आप क्यों हर संडे चेंज करते हो, या महीने में 2 बार क्यों चेंज करते हो। तो ये एक तो वायरल होने का पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि रिफ्रेशमेंट। देखो, एक वेबसाइट, आप कुछ भी वेबसाइट मान लो, फेसबुक मान लो, फेसबुक आप क्या देखते हो, फेसबुक एक ही तरफ से बहुत सालों से होते जा रहे हैं, सिर्फ 2-1 साल में एक बार थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ अपडेट होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन हमारा वेबसाइट क्या हुआ है, हर एक दिन चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या चीज़ होंगे, रिफ्रेशमेंट होंगे, नए तरीका, नए कुछ मिलेंगे, जो इतना सालों से आपको देखने को मिल रहा है वो एक अलग दिशा दे रहा है ना, बिजनेस का एक अलग दिशा आ रहा है कि हाँ हर एक मंडे वेबसाइट चेंज, हर एक दिन वेबसाइट चेंज। तो ये एक अलग चीज़ है। उसके साथ साथ क्या चीज़ है, हर एक जो विजिटर आएंगे उसके लिए भी रिफ्रेशमेंट होंगे कि जब भी आएंगे कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ मिला के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम शायद नहीं जानते, वो ऐसे रहेंगे डिटेल्स में बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो 2 मेन चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ रीज़न हो सकता है। देखो, कंपटीशन के मामले में आप देखा जाए तो देखो, ऐसा कोई भी नहीं करता, रिप्लेसमेंट तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई भी वेबसाइट, कोई भी कंपनी नहीं करता कि उसका वेबसाइट डेली चेंज हो, डेली फ्रंट, डेली कलर चेंज हो। तो ये एक कंपटीशन के मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ हमारा कंपनी। ठीक है, तो ये सब चीज़ मिला के अगर आपको समझ में आया होगा कि हम हर एक मंडे क्यों कर रहे हैं। अभी इसी महीने में शायद ऐसा ने बोला था 2 वीक्स बाद हम 1 हफ्ते में 2 वेबसाइट आएंगे, उसके कुछ हफ्ते बाद 3 वेबसाइट, उसके कुछ हफ्ते बाद 4 वेबसाइट, उसके कुछ हफ्ते बाद ऐसे करके क्या हर एक दिन हमारा नए वेबसाइट आएंगे। तो सॉरी, तो सोच सकते हो कितना वेबसाइट हमारा आ सकता है हर एक दिन में, तो कितना ज़्यादा वेबसाइट होंगे, कितना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट हम वैल्यूएबल प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। तो यही चीज़ है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि हमारा वेबसाइट चेंज होने का मकसद क्या था एस्टर का। तो जो भी कर रहा है हमारी कंपनी अच्छाई के लिए कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है, जैसे ग्रो होने के लिए कर रहा है। 5 बिलियन पीपल, 5 बिलियन कस्टमर, 500 करोड़ लोग, जो हर एक लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने का कोई तो वजह होंगे, कोई तो चीज़ होंगे जो हम कंपनी एक्टर खींचे चले आएंगे, लोग ऐसे बात करते हैं ना, खींचे चले आएंगे तो क्यों आएंगे, यही तो रीज़न है।
तो यही रीजन के रख के और एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूँगा। शायद आपको बहुत दिन पहले ही मैं बोल चुका हूँ, अगर मेरा चैनल का आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप जानते होंगे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एसएन ने पहले बोल दिया, 2-3 बार बोला है, 2-3 टाइम्स बोला है कि जब देखोगे हमारा वेबसाइट हर एक दिन नया आ रहा है, हर एक दिन नया वेबसाइट आए, तब सोचोगे कि हम सिर्फ एक स्टेप दूरी है लॉन्च के, मतलब जस्ट लॉन्चिंग की एक स्टेप दूर, 1-2 स्टेप एड मैंने पीछे है। ठीक है, तो क्या बोल दिया, समझ में रखना, ध्यान में रखना, जब हमारा वेबसाइट हर एक दिन आते रहेंगे, हर एक दिन, अभी तो हफ्ते में एक, हफ्ते में दो, हफ्ते में 3-4-5 करके हर एक दिन रेगुलर न्यू वेबसाइट आएंगे, तब सोचना कि हम लॉन्च के बहुत बहुत करीब आ चुके हैं, मतलब जस्ट लॉन्च होने ही वाला है। तो ये एसएन ने मेरा बात नहीं है, एसएन ने बोला है, बहुत बार बोला है, 2-3 बार बोला है राउंड टेबल वेबिनार में। तो यही अपडेट था, फिर से आपको आज़ादी के बहुत ढेर सारी बधाई, थैंक यू, आज मज़े करना, आनंद करना, देश के लिए देशभक्त बनाए रखना। और एक बात है, अगर चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो हैप्पी इंडिपेंडेंस, सभी को विश कर सकते हो, ऑन पेशियन फैमिली को, और इसके साथ वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ, तो जो इसका मन में ये क्वेश्चन है इसके साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।